हम पढ़ेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जो है यही चीज़ थी जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है एक दूसरे के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं इसी चीज़ ने इंडियंस को नेशनल मूवमेंट के लिए तैयार किया। हर एक को लगा कि एक ही प्रॉब्लम जो है वो दूसरे की भी प्रॉब्लम थी। ये चीज़ जहाँ पर बताई गई है कि ये नेशनलिज्म की भावना, ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है यही तो नेशनलिज्म की भावना है। ये नेशनलिज्म की भावना लोगों के बीच में कैसे पैदा हुई उसके लिए आपकी बुक में यहाँ बताया हुआ है, इन्होंने बताया है नेशनलिज्म स्प्रेड्स when people begin to believe that they are all part of the same nation, when they discover some unity that binds them together, what how did the nation become a reality in the minds of the people, how did the people belonging to different communities, regions and languages group develop a sense of collective belonging। jahan ye bataya gaya hai ye kis prakar se hota hai कि एक ही नेशन में रहते हुए अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग अलग अलग रीजन्स को बिलोंग करते हैं, उन सब के बीच में जो है एक बिलोंगिंगनेस की, एक नेशन के साथ जुड़ने की भावना कैसे पैदा हो जाती है, ये चीज़ इन्होंने बताई है। इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जहाँ द प्रोसेस थ्रू विच द नेशन नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन, इन्होंने बोला कि जो लोगों के बीच में जो ये जो एक जुड़ने की एक भावना पैदा हुई, ये यूनाइटेड स्ट्रगल था, ये जो था एक यूनाइटेड स्ट्रगल था फ्रीडम फाइट के लिए, लोगों ने मिलकर जो एक लड़ाई लड़ी उसके साथ, चाहे कोई इंडिया के नॉर्थ में रहते थे, साउथ में रहते थे, ईस्ट में रहते थे, वेस्ट में रहते थे, सभी जो है इस स्ट्रगल के द्वारा, फ्रीडम स्ट्रगल के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े, क्योंकि उनकी सबकी प्रॉब्लम एक थी, दुख एक था। उसके बाद इन्होंने बताया और क्या चीज़ें होती हैं जो कि एक नेशन के लोगों को, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को, एक दूसरे से 200, 300, 400 किलोमीटर दूर होते भी वो आपस में जुड़े होते हैं। वो उन्होंने बताया एक तो उस कंट्री की हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री एंड फिक्शंस, एक जो हिस्ट्री होती है वो जो है लोगों को जोड़ती है। हिस्ट्री जो है जैसे हम सब की पुरानी एक जैसी हिस्ट्री है, अलग अलग डायनेस्टीज़ आई, उन्होंने इंडिया के ऊपर जो है कंट्रोल किया, एंड में फिर यहाँ जो है मुगल साम्राज्य हुआ, मुगलों के बाद ब्रिटिशर्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, यही एक हिस्ट्री थी। एक हिस्ट्री सभी कंट्रीज़ में जो एक हिस्ट्री होती है वो जो है वो लोगों को जोड़ती है। ज्योग्राफिकल फीचर्स भी लोगों को जोड़ते हैं, जो हिस्ट्री के साथ जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वो भी लोगों को जोड़ते हैं कि कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदियाँ हैं, या कहाँ जो है रेगिस्तान है, उनके ज़रिए भी लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, स्वभाव में जुड़ते हैं, डिज़ायर्स में जुड़ते हैं, नेचर में जुड़ते हैं। लेकिन आपकी बुक में बताया हिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसके बाद इन्होंने बताया एंड फिक्शंस, एंड फिक्शंस अलग अलग जो है फैब्रिकेटेड स्टोरीज, जो कि ऐसी स्टोरीज जो कि पूरे देश में कहीं ना कहीं वो प्रचलित होती हैं। जैसे आपने जो है अलादीन का चिराग, अलादीन का चिराग ऐसी स्टोरी है जो कि हर एक को मालूम है, हर एक घर घर में बताई जाती है। ऐसे ही जो है आप पढ़ते हो, अभी भी आपकी स्टोरीज आपकी बुक में भी है, आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी है, गुलीवर एंड द लिलीपुट, ये भी एक जो है फैब्रिकेशन ही है, ये भी तो एक फिक्शन है। ऐसे बहुत सी जो स्टोरीज हैं वो जो हैं जो फिक्शंस होती हैं, ऐसी फिक्शंस होती हैं जो कि रियलिटी लगती हैं और घर घर में सुनाई जाती हैं, ये भी लोगों को जो आपस में जोड़ती हैं। इसके बाद इन्होंने बताया फोकलोर एंड द सॉन्ग्स, फोकलोर हो गया वहाँ का लोक साहित्य, जो वहाँ की जो हैपनिंग्स हैं, वहाँ की जो कथाएं हैं, जैसे रानी झांसी का, झांसी की एक कथा है जिसको जो लीजेंड्स भी हैं और जो है जो फोकलोर्स भी हैं, वो जो है फोकलोर्स की तरह भी उनको गा गा के, लोग गा गा के जो रानी झांसी की कथा को सुनाते हैं। ऐसे ही जो जो है आप सुदमा देव की तरफ चले जाओ, वहाँ शिव पार्वती की गाथा को गा गा के सुनाते हैं। आप जहाँ जाओगे जो वहाँ का जो कल्चर है, जहाँ लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज को है, वहाँ के बहुत गाने गाते हैं, ये गाने जो हैं एक दूसरे को जोड़ते हैं, ये कथाएं जो हैं वहाँ की प्रचलित जो हैं उस एरिया की जो हैं वो एक दूसरे को जोड़ती हैं। उसके बाद इन्होंने बोला पॉपुलर प्रिंट्स, पॉपुलर प्रिंट्स क्या हो गए, ये उस समय जब हमारा फ्रीडम फाइट हो रही थी उस समय बहुत से पोस्टर्स निकलते थे, उस समय कई मैगजीन्स निकलती थी, उस समय भारतेंदु ने भी भारत दुर्दशा नावल लिखा, वो भी एक प्रिंट था जिसने कि भारत की अंग्रेज़ों के अधीन होते हुए भारत की जो बुरी हालत थी उसको एक्सप्लेन किया, ये भी एक जो है ये भी एक पॉपुलर प्रिंट था जिसको सभी ने पढ़ा और जाना कि किस प्रकार से भारत की दुर्दशा हो रही है, अंग्रेज़ों के अधीन रहकर हमें आज़ादी चाहिए। ऐसे ही आपके जो है फिर सिम्बल्स,
कई सिंबल्स होते हैं, ये सिंबल्स आपके आपके जो है जो उस समय जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उस समय नेशनल फ्लैग निकाला गया, नेशनल फ्लैग सबसे बड़ा सिंबल था लोगों को यूनाइट करने का। फिर उस समय की करेंसी जो एक जैसी करेंसी सब लोग उसको इस्तेमाल करते हैं वो भी एक किस्म का सिंबल था। जब महात्मा गांधी ने चरखा निकाला तो वो भी तो सिंबल ही था। जैसे सिंबल्स होते हैं जो लोगों को आपस में जोड़ते हैं, ये चीज़ें हैं जो कि एक नेशनलिज्म की तरफ, एक जो है बिलोंगिंगनेस की तरफ लोगों को ले जाती है। ये अनजाने में ये ऐसी बातें होती हैं, हम तो इनसे बेखबर होते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों के ही जरिए हम जो है एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं। इसी चीज़ को आया कि जो है इज मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज इन ए फिगर आर ए इमेज। अब कोई भी देश होता है, कोई भी देश है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको एक फीमेल फिगर में रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे एलेगरी बोलती है। एलेगरी बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट, जैसे जर्मनी में जर्मेनिया है, इंडिया में भारत माता है, इंडिया में भी भारत को एक रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिगर जो थी जो है एक इमेज बनाई गई, ये इमेज जो है ये हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा है, उन्होंने बनाई थी। और इस फिगर को फिर जो है पेंट किया गया जो मशहूर अमनिंदर जो है ये टैगोर, अमनिंदर टैगोर जी ने जो है इस फिगर को इस इमेज को पेंट किया और खूबसूरत भारत माता ये आपके दिया हुआ है इस प्रकार पेंट करके इन्होंने, ये नीचे लिखा भी हुआ है भारत माता अमनिंदर नाथ टैगोर 1870 में जो है ये बंकिम जो है हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1817 में